क्या आपने कभी सफेद मगरमच्छ देखा है या फिर सफेद गोरिल्ला? साथ ही हम आपको एक अजीबोगरीब जीव से भी मिलवाएंगे जिसे इंसानों की तरह कैंसर जैसी बीमारी से गुजरना पड़ता है। अगले 10 मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, व्हाइट एलिगेटर। जी हाँ, सुनकर आपको बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको एक सफेद मगरमच्छ के बारे में बताने जा रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना जू में आपको एक सफेद रंग का मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा, जो देखने में बेहद ही प्यारे होते हैं, जिनकी आंखें गुलाबी रंग की होती हैं, जिन्हें एल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी है। एल्बिनो एक विशेष तरह की जेनेटिक बीमारी है जो किसी इंसान या जानवर को हो सकती है, जिसके चलते त्वचा और बाल का रंग सफेद हो जाता है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 100 की संख्या में ही व्हाइट एलिगेटर पाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, उनकी त्वचा काफी मुलायम होती है, जिस वजह से ये खुद को शिकारियों से बचा नहीं पाते। आमतौर पर और मगरमच्छ की तरह धूप भी नहीं सेक सकते, क्योंकि इस वजह से इनकी आंखें और त्वचा जल जाती है, जिस वजह से वो अपने शिकार को भी नहीं देख पाते। नंबर 2, हमबैक व्हेल। अब हम आपको जिस मछली के बारे में बताने वाले हैं, वो व्हेल प्रजाति है। इस हमबैक की लंबाई 39 से 52 फीट होती है। इसका वजन 28 से 33 टन का होता है। हालांकि आपको बता दें, किस्म की फ्रेंडली प्रजाति है, जहां फीमेल वेल हर 2 या 3 साल में प्रजनन करती है, जिसमें से 11.5 महीने के बच्चे पैदा होते हैं। इंसान के जीवन काल 47 से 100 सालों का होता है, जो कि अंटार्कटिका के पास रहते हैं। हमबैक वेल सभी महासागरों के तटों पर रहती हैं, कभी कभी तट के करीब तैरते हैं, यहाँ तक कि बंदरगाह और नदियों में भी। वो गर्मियों में ध्रुवीय भोजन के आधार पर और सर्दियों में उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रजनन के आधार के बीच लंबे समय तक प्रवास करते हैं। आहार में तीक्ष्णता, क्रस्टेशियन कहा जाता है, हैकरल छोटी मछली और प्लावक, जो कुबड़ वाली वेल अपनी गठरी के साथ पानी के बाहर निकालती है। हमबैक को खिलाने की एक अनूठी विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे हैबुन लेले टीनिन कहते हैं, जिसमें बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि वेल खाने के लिए पानी के घेरे के नीचे एक सर्पीले आकार में तैरती है। बुलबुले का पर्दा एक छोटे से क्षेत्र में शिकार को सीमित करता है, जिसके बीच एक या अधिक वेल की सतह होती है। नंबर 3, व्हाइट लायन। अब हम आपको सफेद शेर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये एल्बिनो नाम की बीमारी से ग्रसित हो सकता है, जो देखने में बेहद ही सुंदर होते हैं। इनका कलर हल्के सुनहरे रंग से सफेद होता है। हालांकि आज सफेद शेर बेहद ही कम रह गए हैं, जहां आपको जंगलों में सिर्फ 11 शेर ही देखने को मिलेंगे जो सफेद हैं। जहां मेल शेर 24 फीट लंबे 10 फीट ऊंचे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फीमेल शेर 6 फीट लंबी और 6.4 फीट ऊंची होती है। इनका वजन करीब 530 पाउंड तक होता है और ये करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफेद शेर और शेरों की तुलना में कम खाते पीते हैं, जिससे इनकी डाइट कुछ ज्यादा नहीं होती, जो छोटे पक्षियों और छोटे जीव जंतु को खाना पसंद करते हैं। जहाँ इन शेरों को गौरव का प्रतीक माना जाता है, जो ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन शेरों के बच्चे अंधे पैदा होते हैं, जहाँ वो 2 से 3 साल तक अपनी माँ के भरोसे ही रहते हैं। नंबर 4, हॉन्डुरान व्हाइट बैट। अब आपने कई तरह के चमगादड़ देखे होंगे और पूरी दुनिया में कई प्रजाति के चमगादड़ पाए भी जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सफेद चमगादड़ देखा है, जिसकी येलो नोज होती है? जहां मादा चमगादड़ की तुलना में नर चमगादड़ थोड़े बड़े और भारी होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियों के नीचे झुंड में रहना पसंद करते हैं। हालांकि इनके भोजन में पेड़ पत्तियां शामिल हैं, क्योंकि इनसे इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। हालांकि इनके प्रजनन के बारे में बेहद ही कम जानकारी है, लेकिन आपको बता दें, फीमेल चमगादड़ अपने बच्चों को सितंबर के महीने में जन्म देती हैं और इस तरह अपने बच्चों को साल में 2 बार वो जन्म देती हैं, जहां चमगादड़ एक समय में एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। नंबर 5, सिनेका व्हाइट डियर। अब आपको जिस हिरण के बारे में बताने वाले हैं, वो पूरी दुनिया में इकलौती रह गई है, जो शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के चलते व्हाइट नजर आते हैं। जहां इन हिरणों का इतना ज्यादा शिकार किया गया कि अब इन हिरणों की संख्या मात्र 300 ही बची है। इन बचे हुए हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए सेना हमेशा इनकी सुरक्षा करती है, जो न्यूयॉर्क के सैनी आर्मी डिपो के पास रहते हैं। इसके चलते इन्हें सैनी का व्हाइट डियर भी कहा जाता है, जो काफी दुर्लभ हैं। जब 1950 में हिरण को शिकार न करने का ऑर्डर दिया गया, तभी से वहां इनकी ब्रीडिंग हो रही है। नंबर 6, ताइवानीज व्हाइट डॉल्फिन। ताइवान के सफेद डॉल्फिन को पैसिफिक हम डॉल्फिन के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम है सोसुआ चाइनेंसिस, जो ताइवान के तट पर पाए जाते हैं, जो आमतौर पर 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और कुछ हद तक हल्के गुलाबी रंग के भी होते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सफेद होता है, और ये पानी में खेलते हैं तो इनका रंग सफेद, गुलाबी और चमकदार हो जाता है। हालांकि रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ साल में 2 बार ये प्रजनन करते हैं, जहाँ व्हाइट डॉल्फिन की प्रजाति आज काफी हद तक कम हो चुकी है। नंबर 7, स्नोफ्लेक व्हाइट गोरिल्लास।
स्नोफ्लेक दुनिया का वाइट गुरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद बार्सिलोना जू में रखा गया, जो कि अल्बिनो नाम की बीमारी से पीड़ित था, जिसके चलते साल 2030 में इसकी मौत हुई, जहां उसकी संतानों में से कोई भी अल्बिनो नहीं थी। हालांकि इनकी आंखें बेहद धुंधली हुआ करती थी, जो कि नॉर्मल गुरिल्ला के हुआ करते थे। नंबर 8, व्हाइट हॉक। दोस्तों, आपने हर तरह के पक्षी देखे होंगे, जिसमें आपने बाज भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद बाज देखा है? नहीं तो अब देख लीजिए। व्हाइट बाज लगभग 42 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनके पैरों और पंखों का आखिरी हिस्सा काला होता है। जहाँ फीमेल बाज मेल की तुलना में थोड़ी भारी और अलग होती है, इनके अंडे लगभग 34 से 36 दिनों में तैयार होते हैं। इनके पंख भी काफी लंबे होते हैं। इनकी पूंछ छोटी होती है और पूंछ पर एक लाइन बनी होती है। इनका वजन 1 से 2 पाउंड का होता है, जो मध्य और दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, जिनका घर पूरी तरह से जंगल होता है और ये पहाड़ों की तराई में रहना पसंद करते हैं, जो आपको हर तरह के जंगलों में आसानी से मिल जाएंगे। नंबर 5, डोमेस्टिकेटेड व्हाइट हेडहॉग। व्हाइट हेजहॉग जो सबसे आम घरेलू हॉग्स हैं, जो लगभग 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं, उनका जीवन काल 6 से 4 सालों का होता है। कैंसर जैसे कई रोग से ये ग्रस्त होते हैं। कहा जाता है कि 1 लाख में से 1 हेजहॉग एल्बिनो जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जो दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। देखने में बेहद सुंदर और क्यूट नजर आते हैं। वैसे ये अपने खाने में छोटे इंसेक्ट खाना पसंद करते हैं, पर मौका मिलने पर किसी बड़े जानवर को भी खाना पसंद करते हैं। ये जानवर बेहद ही आलसी और सोकर ज्यादा अपना समय बिताते हैं। लगभग ये 18 घंटे से ज्यादा सो सकते हैं। नंबर 10, व्हाइट कुआला। दरअसल काफी समय पहले कुआला का जन्म ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में हुआ था, जहाँ इस कुआला की मम्मी ने कई सारे ब्लैक कुआला को जन्म दिया, लेकिन उन सभी में से एक व्हाइट कुआला भी जन्म लेता है, जो काफी अनमोल होते हैं। लेकिन अगर ये कुआला जंगलों में पैदा होते हैं तो ये काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका ये सफेद कलर शिकारियों के लिए एक अलग लक्ष्य बनाता है। इस तरह आसानी से दूसरे जानवर इस कुआला को अपना शिकार बना लेते हैं। जहाँ वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट कुआला में सिल्वर जीन मौजूद थी, इस वजह से उन सभी ब्लैक कुआला में से एक कुआला का जन्म होना आम बात है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इन व्हाइट जानवरों में से कौन सा जानवर बहुत क्यूट लगा और अलग लगा, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।